बजाज फाइनेंस लिमिटेड में आपका स्वागत है। ये सूचना आपके लोन ईएमआई पेमेंट स्थिति के बारे में है। 1,500 रुपए कुल ईएमआई अमाउंट आपके बैंक को दिया गया है 1 अक्टूबर 2021 को, आपके बैंक से सफलतापूर्वक डेबिट कर लिया गया है। हम समय पर अपना बकाया चुकाने की आपकी तत्परता की दिल से सराहना करते हैं। इस जानकारी को दोबारा सुनने के लिए 4 दबाएं। संबंधी जानकारी के लिए यदि आपने कॉल किया है 1 दबाएं। अन्य मेन्यू ऑप्शन जारी रखने के लिए 2 दबाएं। यहाँ पे आपको 2 दबाना है। एक्सक्लूसिव ऑफर्स के लिए 1 दबाएं। अपनी लोन डिटेल्स के लिए 2 दबाएं। अपने ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए 3 दबाएं। अपने हाल के फिक्स यहाँ पे आपको 3 दबाना है। 4, 2, 3, 5 से खत्म होने वाले अपने ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए 1 दबाएं। 4, 2, 4 यहाँ पे आपको 1 दबाना है। अपने ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लॉस या ब्लॉक संबंधी सूचना देने के लिए 1 दबाएं। अपनी लेटेस्ट ईएमआई का स्टेटस जानने के लिए 2 दबाएं। अपने लोन स्टेटमेंट प्राप्त करने यहाँ पे आपको 2 दबाना है। 1,500 रुपए का ईएमआई अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से सफलतापूर्वक डेबिट हो गया है। इस जानकारी को दोबारा सुनने के लिए 4 दबाएं। पिछले मेन्यू पर वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू पर वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए 0 दबाएं। यहाँ पे आपको 0 दबाना है तो कस्टमर केयर से डायरेक्ट आपकी बात हो जाएगी। हमारी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कॉल ट्रेनिंग और गुणवत्ता कारणों से रिकॉर्ड की जा सकती है। गुड इवनिंग, वेलकम टू बजाज फाइनेंस। मैं असिस्ट करना हूँ, मैं असिस्ट जी। गुड इवनिंग मैडम, मुझे कुछ जानकारी चाहिए था। मैं एक प्रोडक्ट ले रखा हूँ यहाँ पे, फ्रिज, और मैंने एडवांस पे किया था, ठीक है। उसके बाद भी मेरा ईएमआई जो है वो मंथ में कट गया। जब मैं एडवांस पे कर दिया था, यहाँ पे शो भी कर रहा है कि मेरा एडवांस पे है, उसके बाद फिर मेरे अकाउंट से पैसा क्यों काटा गया है, देखिए तो। ओके, आपने एडवांस पेमेंट किया था, उसके बावजूद भी आपके अकाउंट से पैसे कट।